हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। अमृत अभी तक सुरक्षित है। तमोगुणी संस्कारों और लोभ के कारण दैत्य लोग अभी तक आपस में ही झगड़ रहे हैं कि पहले अमृत कौन पिएगा। आप चिंता ना करें, हमें अमृत जैसे दिव्य पदार्थ को उनके हाथों से अवश्य बचाना है, क्योंकि तामसी और आसुरी शक्तियां अमृत पीकर अमर हो गईं, तो सृष्टि में व्यभिचार और अनाचार भी अमर हो जाएंगे। मैं आप सबकी महानता को प्रणाम करती हूँ। ऐसा महान कार्य करने वाले महापुरुषों की सभा में फिर ये कलह का कोलाहल क्यों? अमृत की प्राप्ति के लिए हम सबने परिश्रम किया था, परंतु इन असुरों ने हमारे भाग का अमृत ही छीन लिया। जिसके पास शक्ति होगी वही तो छीन सकता है। परंतु शक्ति तो न्याय का तराजू नहीं होती। तो फिर शक्ति का क्या लाभ? शक्ति तो न्याय की रक्षा के लिए होती है। अब मैं तुम्हें भगवान के कच्छप अवतार की कथा सुनाता हूँ। प्रभु को ये कच्छप रूप तब धारण करना पड़ा जब समुद्र के गर्भ में छिपी हुई संपदा प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। उस समय जब मंतराचल पर्वत की रगड़ सहने की शक्ति पृथ्वी में न रही और मंतराचल पर्वत नीचे को धंसने लगा, तब नारायण एक महान कूर्म के रूप में प्रकट हुए, जिसने अपनी पीठ पर मंदराचल को धारण करके देवताओं को अमृत प्राप्त करने में सहायता की। वास्तव में देवासुर संग्राम के पश्चात देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई थी। इंद्र आदि सभी देवता श्रीहीन हो गए थे। तब वो भगवान श्री हरि के पास गए। तब श्री हरि ने उन्हें समझाया कि यदि वे दैत्यों और असुरों की सहायता से समुद्र मंथन कर सकें, तो समुद्र की गहराई में छिपे हुए कई अलभ्य और दिव्य पदार्थों के अतिरिक्त अमृत भी प्राप्त किया जा सकता है, जिसे पीकर देवता अमर हो सकते हैं। भगवान श्री हरि ने उन्हें यह भी समझाया कि उस महान कार्य को वो अकेले नहीं कर सकते, उसके लिए आसुरी शक्तियों की सहायता और सहयोग आवश्यक है। इसलिए देवताओं को शत्रु भाव और अपना अहंकार छोड़कर असुरों के राजा के पास प्रार्थना करने स्वयं जाना चाहिए। उस समय तीनों लोकों पर असुर सम्राट महाराज बलि का राज्य था। महाराज की जय हो। क्या है? महाराज, समाचार है कि देवराज इंद्र देवताओं सहित आपसे भेंट करने आ रहे हैं। इंद्र और देवता? सेना आदि कुछ भी नहीं? नहीं गुरुदेव, वे सभी निशस्त्र हैं। ये तो बड़ा सुंदर अवसर है, उन्हें बंदी बना लेना चाहिए। महाराज, कूटनीति कहती है कि शत्रु को कभी आरक्षण का अवसर न दिया जाए। शत्रु और सांप ये विश्वास के पात्र नहीं होते महाराज। परंतु अपने द्वार पर आए हुए एक निशस्त्र शत्रु पर वार करने में असुर कुल का गौरव कितना बढ़ेगा, इसका निर्णय तो कुलगुरु शुक्राचार्य ही कर सकते हैं। हम महाराज बलि से सहमत हैं। इस समय वो अतिथि हैं, हमारे द्वार पर अवश्य कुछ मांगने आए हैं। महाराज, शरण में आए शत्रु और समर्पित नारी को आश्रय देना राजा का नैतिक दायित्व है। जो आज्ञा गुरुदेव। मैं असुर राज विरोचन सुत बलि
देवराज इंद्र का उपस्थित सभी देवगणों सहित स्वागत करता हूँ। पधारिए महानुभाव। महाराज बलि, हम आपके पास अत्यंत गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सब पहले राजकक्ष में तो पधारिए। क्या महात्मा प्रहलाद के पौत्र इस अकिंचन बलि को इतना भी अधिकार नहीं कि वो घर आए अतिथियों का सम्मान पूर्वक स्वागत कर सके? अंदर पधारिए बंधु। अब कहिए देवराज इंद्र, आपने किस प्रयोजन से हमारे यहां पधारने की अनुकंपा की है? हे विरोचन पुत्र महाराज बलि, पृथ्वी की वानस्पतिक संपदा के अतिरिक्त समुद्र में भी अकूट विषदा समाई हुई है। इसमें असंख्य मणि माणिक्य और बहुमूल्य रत्न आदि छिपे हुए हैं। इसमें अनेक दुर्लभ औषधियां भी सम्मिलित हैं तथा और भी अनेक प्रकार के बहुमूल्य पदार्थ इसके गर्भ में डूबे हुए हैं। हम सब चाहते हैं कि असुरों के सहयोग से समुद्र मंथन करके उन सारे दिव्य पदार्थों को जल से बाहर निकाला जाए। इस सारी निधि को प्राप्त करना अकेले न हमारे लिए संभव है न आपके लिए। यदि हम दोनों की शक्ति आपस में मिल जाए तो यह असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। यह योजना अवश्य आपके गुरुदेव बृहस्पति ने बनाई होगी। जी आचार्य। समुद्र से यह सब कुछ प्राप्त तो अवश्य किया जा सकता है, परंतु उसे बांटा कैसे जाए उसके बारे में तुम्हारे गुरुदेव क्या कहते हैं? उसका निर्णय तो उन्होंने आप पर छोड़ रखा है। बड़े उदार हो गए बृहस्पति। वो आपका बहुत आदर करते हैं। उन्होंने कहा है कि आपका निर्णय सर्वदा न्यायपूर्ण होता है। अच्छी बात है, हमें स्वीकार है। परंतु जो कुछ समुद्र से प्राप्त होगा वो देवताओं और असुरों में आधा आधा बांटा जाएगा। स्वीकार है? जी आचार्य, हमें स्वीकार है। तब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन का आयोजन किया। इसके लिए मंदराचल पर्वत को मथानी बनाकर वासुकी नाग की नेति बनाई गई, जिसे एक ओर से देव और एक ओर से दानव खींच रहे थे। मंदराचल सा भारी पर्वत अपनी पीठ पे धारा, लेकर छप अवतार प्रभु देवों का काज सवारा। प्रारंभ हुआ सागर मंथन सागर मंथन। सिंधु से निकला उग्र हलाहल, तीनों लोक में मच गई हलचल। ऋषि पीला और अमृत बाटो, यही परमात का मंत्र बताया। जग कल्याण हेतु शिव जी पी गए हलाहल सारा। जय नीलकंठ जय विषधारी कल्याण करण, जय नीलकंठ जय विषधारी कल्याण करण। शतकोटि नमन शतकोटि नमन शतकोटि नमन। कल्प वृक्ष कौस्तुभ मणि निकले, उच्च
श्रवा ऐ रावत निकले काम धेनु सी निधि भी पाई सिंधु से निकली सिंधु सुजाता कल्याणी महालक्ष्मी माता हर के वक्ष में आन समाई जय श्री हरि जय लक्ष्मी माई दो विपरीत शक्तियों ने जब मिलकर चरण बढ़ाया सागर मंथन किया असंभव संभव कर दिखलाया अतल सिंधु के गर्भ से निकला जीवन का वरदान अमृत का घट लेकर प्रगटे धन्वंतरि भगवान असुरों ने तेजी से आगे बढ़कर देवताओं के पहुंचने से पहले ही धन्वंतरी से अमृत का कलश छीन लिया। असुर कलश लेकर भाग गए। धन्वंतरी कुछ ना कर सके। तब देवताओं ने तत्काल भगवान विष्णु के पास जाकर सहायता और रक्षा के लिए पुकार की। भगवान जानते थे कि ये समस्या बड़ी गंभीर हो गई है जिससे तीनों लोकों में संकट पैदा हो सकता है। उधर असुर आपस में ही लड़ झगड़ रहे थे कि पहले अमृत कौन पिएगा। देवगण अमृत अभी तक सुरक्षित है। तमोगुणी संस्कारों और लोभ के कारण दैत्य लोग अभी तक आपस में ही झगड़ रहे हैं कि पहले अमृत कौन पिएगा। आप चिंता ना करें, हमें अमृत जैसे दिव्य पदार्थ को उनके हाथों से अवश्य बचाना है, क्योंकि तामसी और आसुरी शक्तियां अमृत पीकर अमर हो गईं, तो सृष्टि में व्यभिचार और अनाचार भी अमर हो जाएंगे, धर्म शक्तिहीन हो जाएगा। यह बड़ी संकट की घड़ी है, इसलिए धर्म की रक्षा के लिए, धर्म को विनाश से बचाने के लिए हमारा स्वयं आना परम आवश्यक हो गया है। तब भगवान ने देवताओं की सहायता के लिए स्वयं एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। आप लोग कौन हैं? इस प्रकार आपस में क्यों कलह कर रहे हैं? देवी, हमने समुद्र मंथन करके अमृत प्राप्त किया है। अच्छा, जिन्होंने ऐसा महान कार्य किया वो सब भी कितने महान होंगे। मैं आप सबकी महानता को प्रणाम करती हूँ। ऐसा महान कार्य करने वाले महापुरुषों की सभा में फिर ये कलह का कोलाहल क्यों? अमृत की प्राप्ति के लिए हम सबने परिश्रम किया था, परंतु इन असुरों ने हमारे भाग का अमृत ही छीन लिया। जिसके पास शक्ति होगी वही तो छीन सकता है। परंतु शक्ति तो न्याय का तराजू नहीं होती। तो फिर शक्ति का क्या लाभ? शक्ति तो न्याय की रक्षा के लिए होती है। न्याय का मापदंड तो धर्म के द्वारा होता है। आप कौन से कुल के हैं? अवश्य ही कोई नीच कुल होगा,
बच्चों न्याय और धर्म की इतनी भी व्याख्या नहीं जानते। देवी, हमारा कुल नीच नहीं, हम महर्षि कश्यप के संतान हैं। महर्षि कश्यप की संतान और ऐसी अधर्मी, छी छी छी। परंतु हे सुंदरी, तुम कौन हो जो हम पर इस प्रकार वाक्यों के कटाक्ष चला रही हो? जो सुंदरी होती है उसे शब्दों के द्वारा कटाक्ष की आवश्यकता नहीं होती, वो तो केवल भ्रुकुटी मात्र हिला दे तो आधा जगत मदहोश हो जाता है। जगत के प्रत्येक प्राणी को मोहना ही मेरा काम है, तभी तो मोहिनी मेरा नाम है। स्वच्छंद हूँ, सभी स्थानों पर विचरती रहती हूँ, और जहाँ पर कहीं अच्छे लोगों की सभा चल रही हो वहाँ अपने नृत्य और संगीत से उनकी सेवा भी करती हूँ, मनोरंजन भी करती हूँ, क्योंकि किसी के मन का मनोरंजन करना ही संसार में सबसे बड़ा पुण्य का काम है। यहाँ पर दुख देने वाले तो बहुत हैं, परंतु मनोरंजन करने वाली केवल मोहिनी। यही सोचकर इतनी दूर से आपकी सभा देखकर आई थी, परंतु यहाँ तो कलह कलेश है, द्वेष है, अन्याय है, यहाँ मेरा मन नहीं लगेगा। अच्छा, हे मोहिनी, तुम्हारे यहाँ आने से ऐसा लगा था जैसे मन के आंगन में वसंत ऋतु आ गई हो, परंतु तुम्हारे जाने की सुनकर मन बड़ा विवल हो गया है। अगर हम ये कलह छोड़ दें और द्वेष मिटा दें तो क्या तुम यहाँ रुकोगी और हम सबका मनोरंजन करोगी? बड़े चतुर हो, न्याय अन्याय की बात नहीं की? हम अन्याय भी नहीं करेंगे, परंतु इसका निर्णय कौन करेगा? तुम। हाँ, तुम। हम न्याय अन्याय धर्म अधर्म का सारा निर्णय तुम पर छोड़ते हैं। प्रमाण? प्रमाण तो ये है, ये है अमृत कलश, जिसे चाहे पिला दो, जिसे चाहे प्यासा मार डालो। ना ना ना, इतना बड़ा उत्तरदायित्व मेरे कंधों पर ना डालो। मेरे कंधे बड़े कोमल हैं, मेरा मन बड़ा चंचल है। शास्त्र कहता है कि कुलीन पुरुषों को किसी स्वच्छंद नारी पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। तुम महर्षि कश्यप के कुल से हो, फिर सोच लो। देवी, बड़े से बड़ा कुलीन, बड़े से बड़ा शूरवीर, बड़े से बड़ा महात्मा और बड़े से बड़ा योगी जब किसी सुंदरी के नयन बाण से घायल होकर घुटने टेक देता है तो वो अपना धर्म, अपना कुल, अपनी वीरता, अपनी तपस्या, सब कुछ उसकी ठोकरों में डाल देता है। तब उसे उचित अनुचित, पाप पुण्य, अच्छे बुरे का कोई भान नहीं रहता। वही दशा हमारी। जो तुम्हारी इच्छा हो वैसा ही करो, योग्य अयोग्य, पात्र कुपात्र तुम ही जानो। जिसे अमृत के योग्य समझो उसे अमृत दो, जिसे अपने सौंदर्य के योग्य समझो उसे अपने सौंदर्य का रसपान कराओ, और जिसे अपने योग्य समझो उसे अपना आप सौंप दो। जो तुम्हें पालेगा उसे फिर अमृत की क्या आवश्यकता? सत्य कहा, प्राणी यदि ऐसा ही समर्पण भगवान के चरणों में करे तो तत्क्षण मुक्ति पाले, परंतु शायद भगवान नारी के ही रूप में अधिक शक्तिशाली होते हैं। अच्छी बात है, अब मैं ही न्याय करूंगी। आप लोग मेरे साथ चलिए, आइए आइए, देवता इस ओर और दानव इस ओर विराजिए।
जैसा कि आपने स्वयं ही कहा है, अब मैं जिसे जिस योग्य समझूंगी उसी रस का पान उसे कराऊंगी। स्वीकार है? परंतु नृत्य के साथ। हाँ, नृत्य के साथ। अच्छा। धोखा हुआ है। आक्रमण! तत्पश्चात देवताओं और असुरों में वो भयानक युद्ध छिड़ गया
जिसे पुराणों में देवासुर संग्राम कहा जाता है, अमृत पीकर देवता बलवान हो चुके थे। इसलिए अंत में इंद्र के हाथों स्वयं महाराज बलि भी मारे गए। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य संजीवनी विद्या जानते थे, इसलिए युद्ध के पश्चात उन सब राक्षसों को, जिनके सिर धड़ से अलग नहीं हुए थे, उन सबको शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या के द्वारा फिर से जीवित कर दिया। गुरु की कृपा से दैत्यों का राजा बलि फिर से जीवित हो गया।